हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं आया हूं गोरखपुर का चिड़ियाघर में देखने के लिए। चिड़ियाघर आप यहां पे देख सकते हैं पीछे हमारा, इसी में अंदर जाएंगे। काफ़ी सारा यहां पे चिड़ियाघर, यहां पे भी आप पीछे देख सकते हैं, पीछे कुछ बनाया गया है। तो वहाँ पर चलते हैं पहले वाइट टाइगर के पास, यहीं से स्टार्टिंग है। हम लोग बाइक जमा कर दिए हैं और ये पर्ची ले ली है, आप देख सकते हैं ये वाला पर्ची 10 रुपये का कटा है। बाइक जमा है, अभी हम लोग चलेंगे उधर और आपको दिखाएंगे। पहले हम वाइट टाइगर देखने जा रहे हैं, चलिए दिखाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यही है गोरखपुर का चिड़ियाघर, आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान गोरखपुर, आप देख सकते हैं। और ये पूरा और बाहर जाने का रास्ता जो है ना उधर से है, इधर से इन हुआ है, इधर से हम लोग इन आए हैं और आउट उधर से जाएंगे। चलिए चलते हैं, अभी देखते हैं वाइट टाइगर। हम लोग टिकट काउंटर से ले लिए हैं 2 टिकट 50-50 का, 100 रुपये का देखिए टिकट ले लिए हैं। और अभी चलते हैं अंदर और अंदर का भी आप लोगों को लुक दिखाते हैं। तो अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं, ये देख सकते हैं, और इधर से अंदर आए हैं, अभी लेके चलते हैं इधर। ये चिड़ियाघर पूरा देखते हैं, अलग अलग टिकट है। यहाँ पे देखिए कुछ रंगोली बनाया गया है। हम भी सुने हैं दोस्तों गोरखपुर के चिड़ियाघर बहुत बड़ा है, चलिए देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। मस्क्यू डक, मस्कवी डक, वन्य जीवों को ना खिलाए और ना ही चिढ़ाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कौन सा पक्षी है, देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। ये दुए को अपन फोटो हुए देखा उतर से हो, और कौन आते नहीं कैसा पीछे लुक कैसे बड़ा सा है, बड़ा सा नीचे वो बोला कर देखा जाओ का हुआ। अभी हमने चिड़ियाघर देख लिया है, चिड़ियाघर, और चलते हैं अभी जानवर घर में देखते हैं क्या क्या जानवर कौन कौन से। यहाँ पे देखिए भालू देख लीजिए, ये भी छटपटा रहा है कि बाहर खोल के दिखाओ हमको, एक बार देख लेते हैं हम भी। तुम छटपटा मत, बाहर आने का व्यवस्था नहीं क्या? नो हो तो बहुत खतरनाक रख लो, कहो का बोले भूत खिलाओ तक। आप देख सकते हैं कि हिरण, देखिए ये देख सकते हैं के सिटी मारता हो निकल बच्चा तो नहीं। रेलिंग को फांद के अंदर जाना सख्त मना है, फांदने पर 6 महीने का करवास और 2000 रुपये जुर्माना लग सकता है। आप कैमरे में कहाँ कैमरा लागल बहु? तो इधर देख सकते हैं काफ़ी सारा प्रतिमा है, उधर भी बुद्ध भगवान का प्रतिमा बना हुआ है, लोग उधर वेट कर रहे हैं हम लोग को जाना है। इधर एक और हिरण यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए अब कौन नर है कौन मादा है पता नहीं है। देखिए एक यहाँ है और एक यहाँ पे, आप देख लीजिए भारतीय गेंडा इंडियन डायनासोर्स, वहाँ पे देखिए वो लोग खड़े हैं, देखिए नर और मादा दोनों। ये है गेंडा दोनों, देखिए कितना दूर पे खड़े हैं सब। और अभी हम लोग इधर चलेंगे, देखते हैं उधर तक क्या है आगे। देखिए ये हिमालय गिद्ध हैं सब, हिमालय पर रहने वाले, ठीक है। और देखिए कहाँ पे हैं सब वो, देखिए देख लीजिए, देख रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ देख लीजिए चीता को, लिपर्ड देख लीजिए कैसे बैठा है, ऐसा लग रहा है कि ये मूर्ति है। शेर के मुंह में हाथ ना डाले, किसी यार कहीं भी करते हैं जलन भाई। उनको देख सकते हैं कितना आराम से बैठा हुआ है एक ही जगह में, आप देख सकते हैं पीछे, और ऐसा लग रहा है कि मूर्ति बनाया गया लेकिन ये जिंदा है अभी। आगे चलिए बाघ यहाँ पे है, टाइगर देख सकते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर, कहाँ गए हो मैंने राउंड मारता। यहाँ देखिए देख लीजिए बेटा,
हमारा हाथ में से घर में पड़ा दिया है, कुछ करना नहीं पड़ेगा। बंगाल टाइगर को पीछे और आगे भी वाइट टाइगर दिखाते हैं, वहाँ सामने यहाँ देखिए वाइट टाइगर बंगाल देख सकते हैं, बंगाल टाइगर वाइट टाइगर दोनों एक ही साथ में हैं। माँ भी लेगा भाई, पर देख लो उसको गैस वेट कर ले जाओ का हो बब्बर शेर तो शेर को छेड़ना नहीं है। यहाँ देख सकते हैं मगरमच्छ क्रोकोडाइल जो लिखा हुआ है, एक बार में 30 से 40 अंडा देते हैं सब, देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है। हम मांसाहारी भोजन करते हैं, देख लीजिए 30 से 40 हवा लेता है वो, खींची तो जाने आदमी किस तरह सिखाते हैं एकदम स्टैचू के जब। तो अभी हम लोग आ गए हैं सांप घर में, आप देखिए ये सांप नाग, देखिए यहाँ पे नाग लिखा गया है इसके इसके देख रहे हैं, ये जो होल दिख रहा है ना होल में से देख रहे हैं सब आपको दिखा, देखिए ये देखिए ये नाग देखिए ये होल में से, ये सांप घर है यहाँ पे होल में है, कुछ नीचे भी हैं सब देखिए। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि सांप घर में कौन कौन से सांप है। यहाँ देखिए रसल्स वाइपर, ये भी है रसल्स वाइपर, लेकिन है कहाँ वो भी नहीं है, आधा से ज़्यादा तो दिख ही नहीं रहे हैं सब। ये भारतीय अजगर, अजगर अजगर तो है नहीं, अजगर में भाई साहब घुसे हुए हैं देखिए, बड़े वाले अजगर अजगर ही मने धामन, ये धामन सांप कहाँ है आपको बता दें कि 50 रुपये किराया दे के अब कोई भी चीज़ देखने को नहीं मिल रहा है, हिरन और एक आध दो गेंडा उंडा छोड़ के ये तो सब इधर ही उधर ही गायब हैं। देखिए ये ढोंड सांप ये कौन है, देखिए ये देखिए ढोंड सांप, कोई भी सांप दिख नहीं रहा है, देख रहे हैं ये केवल स्टार्टिंग में दिखा है, छोटा छोटा मच्छी वहाँ पे इसमें पानी में देखिए दिख रही हैं सब, बस वही हैं सब। इधर भी ये दो मुहा सांप हैं सब, लेकिन ये भी दिख नहीं रहा सब कहाँ हैं देख लीजिए। यहाँ पे भारतीय अजगर लिखा हुआ है लेकिन अजगर का कोई पता नहीं है किधर है वो। हाँ फोकट में तो पैसों ले लिए हैं सब, कोई भी सांप एक छोड़ के कुछ भी नहीं दिखा नहीं आने लायक है। तो अभी हम लोग आ गए हैं तितली घर में, तितली का कोई पता नहीं है, देख लीजिए कहाँ तितली दिख रहा है। अरे तितली है कहाँ, तितली भी नहीं देखी, देखिए तितली घर लिखा हुआ है, अंदर आने के बाद एक भी तितली नहीं है, तो ये सब रास्ता है देखिए। चलते हैं अब बाहर निकलते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग चिड़ियाघर पूरा घूम चुके हैं और घूमने के बाद अभी हम लोग बाहर भी जा रहे हैं, एग्जिट गेट पे आ गए हैं, लेकिन आपको बता दें कि जो 50 रुपये दिए हैं ना वो भी वसूल नहीं हुआ, क्योंकि काफ़ी सारा जो जानवर है वो दिख ही नहीं रहे, वो है ही नहीं, और वैसे ही उसका नाम हम डाल के इसे रखा हुआ है। बताइए अब एक्वेरियम है बटरफ्लाई है, अब देखिए एक्वेरियम में घुसते हैं क्या है, बटरफ्लाई है उसमें भी गए उसमें भी बटरफ्लाई नहीं है। अब देखिए ये एक्वेरियम है आपको मछली दिख रही है, देख लीजिए ये, अब इसमें ये वाला मछली जो देखिए सामने ये देखिए व्हाइट फिश है, देखिए इतना अच्छा आ रही है, देखिए यही सब है देखने के लिए गोरखपुर चिड़ियाघर में, आप देख सकते हैं
दूसरा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। काफ़ी सारा हमने देखा, ए चलो ऊपर ना जा, काफ़ी घूमे हम लोग, पैदल चलते चलते थक गए, लेकिन जो चिड़ियाघर में जो होना चाहिए ना वो पूरा फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है, आपको बता दूँ। देखिए यही आप देख सकते हैं, बस और कुछ नहीं। दोस्तों अभी हम लोग एक्वेरियम से बाहर आ गए हैं, और आपको बता दूँ एक्वेरियम में थी मछलियाँ उछलें थी, लेकिन जो जानवर जो होते हैं वो सभी जानवर देखने को नहीं मिला, और ना ही आप वीडियो में देखे होंगे, बस जितना दिखा वही हम वीडियो में डाले हैं, बस वही दिखा है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तो जानवर नहीं है, एक एक दो दो मतलब ऐसे एक कहीं है नहीं, कहीं ऐसे खाली पड़ा हुआ है। तो यही है गोरखपुर के चिड़ियाघर में, हम तो सोचे थे काफ़ी ज़्यादा होगा, उसमें बड़े बड़े होंगे जानवर, कुछ भी कोई बड़ा वाला जानवर नहीं है, सब वैसे ही हैं, सब पड़े हुए हैं, सब छोटा छोटा। और आपको बता दूँ कि जो भी थे भी तो वो लोग छिप गए थे, तो वो लोग देख ही नहीं रहे थे, ऐसे खाली दिख रहा था उनका जो भी केबिन है। तो अभी हम लोग देखिए गेट की तरफ आ रहे हैं, देखिए यहाँ गेट की तरफ है, करीब 2 किलोमीटर 1.5-2 किलोमीटर के अंदर में ये पूरा बाउंड्री है, और इसी में हम लोग घूम रहे थे, तो पैर भी थक गया। अभी चलते हैं बाहर और आपको दिखाते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ये देख सकते हैं अभी हम लोग गेट पर पहुँच चुके हैं, और यहाँ से आप उधर से जाएंगे और इधर से आएंगे, आप देख सकते हैं इधर से हम लोग आ रहे हैं, इधर एग्जिट गेट दिया हुआ है, इधर से हम लोग अभी एग्जिट करेंगे। ये आप देख सकते हैं शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान गोरखपुर, यही है, और इसी के अंदर हम लोग गए थे, अभी हम लोग निकल के जा रहे हैं, आप देख सकते हैं।